लीजिए, हम्म, ये पार्टिसिपेंट की लिस्ट में भी पता लग जाएगा। अभी एक दो मिसिंग है, रवि नहीं आया, आई थिंक प्रतीक, प्रकाश, मनु, मनु है, प्रकाश, यस प्रकाश अब्सेंट है, बट यस मैं आई एम देयर। राइट। रविंदर, रविंदर अब्सेंट है क्या आज? अच्छा, सुशांत, सुशांत प्रेजेंट आ गए। सर। अच्छा हाँ है, रंजन, रंजन है, आलोक, यस आलोक हाँ अजय, अजय है, और मोनिका, अजय ठीक है, अजय, मोनिका, सिर्फ दो लोग अब्सेंट है, प्रकाश और रविंद्र। ठीक है, सर थोड़ा लेट मैं, ज्वाइन कर। यस मे बी हो सकता है थोड़ा लेट ज्वाइन करें वो। ओ अच्छा, क्यों, कुछ खास काम? नहीं ऐसा नोटिफिकेट नोटिफाई तो नहीं किया है, बट कभी कभी होता है कि सर कभी वीकेंड की वजह से मे बी अच्छा 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 वी कैन स्टार्ट अलोंग विद दैट मीन वाइल ही कैन ज्वाइन। श्योर, चल कंफर्म, यू कैन सी माय स्क्रीन, यस वी आर एबल टू। चलो थैंक यू, शुरू करते हैं फ्लो कंट्रोल से। ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, या फिर इसके आगे जो सारे लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स लेक्चर पहले हमने कवर किए, बेसिक डेटा टाइप्स और वगैरह क्या होता है। तो ये जो भी नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आते हैं इनके लिए ये थोड़ा सा फिर चैलेंजिंग होगा, उतना भी नहीं बट राजेश हाँ बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग्स, क्या हम जो लास्ट असाइनमेंट था उसमें कुछ कुछ लोगों के एक प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन थे। हाँ, मैं वन टू वन कनेक्ट करूंगा उसके ऊपर, अच्छा ठीक अच्छा है। ठीक है ये ठीक है नो हाँ क्लास प्रॉब्लम। में नहीं कवर करेंगे असाइनमेंट, ये वन टू वन का मैं लेके आपको समझा दूंगा, और असाइनमेंट जो अपलोड करना है उसका तरीका भी हम चेंज करने वाले हैं आगे से। जैसे कि आपको जो असाइनमेंट है मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक दो दिन में मैं बता दूंगा, कल कल तक, कि ठीक है हम सबको असाइनमेंट जो है अब एक्सेल शीट में अपलोड करनी है। मैं एक्सेल शीट बना रहा हूँ, और वो असाइनमेंट शीट से सॉल्यूशन सिर्फ, तो मैं वो प्रोसीजर बता देता हूँ आपको, तो उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और मैं वन टू वन लेके वो सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा कि आपने क्या लॉजिक लगाया है। मे बी कहाँ गलती हुई, या फिर या मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ चलिए, कैसा था असाइनमेंट बाय द वे? आसान, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्योंकि मिल नहीं रहा था ऑनलाइन, ऐसा कुछ? सही था वो, ठीक था अच्छा, सही था। मतलब इजी इजी था, इट मींस राइट, तो ये अच्छी बात है फिर। और अभी धीरे धीरे रेगुलर असाइनमेंट में देता देता जाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी शुरुआत है, तो हाँ ठीक है, एक दे दी मैंने, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी निकाले थे, बट सोचा कि नहीं, थोड़ा सा मतलब पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, ताकि मैं फिर मॉक ले सकूँ। नहीं तो पिछले वीक ही मैं मॉक लेने का कुछ लोगों का एटलीस्ट सोच रहा था, बट फिर मैंने पोस्टपोन किया कि चलो इतना बेसिक के ऊपर नहीं, और लेट देम कंप्लीट फर्स्ट असाइनमेंट एंड देन आई विल स्टार्ट कंडक्टिंग द मॉक्स फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड। सो आपको एक टाइम टेबल भी मिलेगा किन लोगों का मॉक है, कुछ 2 हफ्ते के लिए, फिर बाद में मैं रैंडम मॉक ले लूंगा किसी का भी, तो सब लोगों को तैयारी करके आनी है, और तैयारी क्या करनी है, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वो सारा कुछ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए, तो फ्लो कंट्रोल शुरू करते हैं। फ्लो कंट्रोल 3 टाइप के होते हैं, एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, और इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ इफ एलिफ और इफ एलिफ एल्स, ये 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसको हम कंडीशनल, कंडीशनल कंडीशन है ये, इफ इफ ये नहीं तो क्या, इफ इफ नहीं तो एल्स,
वैसे ट्रांसफर स्टेटमेंट्स कुछ होते हैं, जैसे कि पास हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, अगर लूप ब्रेक करना है हमें, पास करना है या फिर कंटिन्यू करना है, इसके लिए हम ट्रांसफर स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। और इटरेटिव स्टेटमेंट्स यानी एक आध सिक्वेंस है आपके पास, स्ट्रिंग है आपके पास, और उसमें आपको इटरेट करना है और कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे लूप जो है वो आइसोलेटेड वे में हम यूज कर सकते हैं, हम कंबाइंड वे में भी इन सारे लूप्स को यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर लूप में इफ एल्स भी आ सकता है, व्हाइल में भी इफ एल्स आ सकता है, व्हाइल में फॉर भी आ सकता है, और डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वन बाय वन इसको हम शुरू करते हैं, ठीक तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लीजिए। शुरुआत तो इफ से करेंगे हम, इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन हमने ट्रू की है तो जो भी उस ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। और उसका सिंटेक्स क्या रहता है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, जनरली हम ऐसा लिखते हैं, या फिर इफ कंडीशन आप कोलन देके भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। तो बेटर वे ये है, मैं या फिर जनरली हम लोग ये फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा है कि नेम इक्वल्स टू इनपुट, हम यूजर से नेम एज ए इनपुट ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि इफ नेम, अगर नेम इवेल्युएट्स टू राजेश डबल इक्वल्स टू, क्या करो, प्रिंट करो, मॉर्निंग प्रिंट हाउ आर यू। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर नाम राजेश है तो ही ये प्रिंट करो, नहीं तो फिर मत करो, ये नहीं प्रिंट होगा। अगर एग्जैक्ट हम इनपुट नहीं देंगे और इवेल्युएट नहीं करेगा, इससे मैच नहीं करेगा, तब तक ये हमें ये जो कोड लिखा है इस इफ ब्लॉक में वो रन नहीं होगा। अब कैसे पता चले कि ये इफ ब्लॉक में कोड लिखा है, तो इंडेंट करते हैं हम, इंडेंटेशन लेवल बोलते हैं हम इसको। तो देखो ये थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा है, एक दे दो, दो दे दो, एक टैब दे दो, जो भी आप मतलब कंसिस्टेंटली जो भी फॉलो कर रहे हो, मतलब कि जो भी स्पेस है वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे दो स्पेस दे दिया और यहाँ पे चार स्पेस दे दिया, तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ही आ रहा है। तो अगर इफ के अंदर कुछ लिखना है तो आपको थोड़ा सा इंडेंट करके लिखना पड़ेगा, और अगर इसके बाहर कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वो चीज, इफ इफ के बराबर नीचे। तो शायद मैं आपको एक न्यू नोटबुक नोटबुक में मैं समझा दूंगा। देखो ये अब इनपुट मांग रहा है यूजर से, और वो इनपुट सेव कर रहा है इस नेम वेरिएबल में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, पंकज, और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं होगा, ये लूप में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसने क्या लिखा है, इफ नेम इक्वल्स टू राजेश देन ओनली वी विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक, इफ इफ ब्लॉक। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, अब मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ राजेश, और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, हेलो राजेश, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, प्रिंट हो गया, इसमें आ गया। अगर अगर नाम राजेश है तो कोलन, इसलिए आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो फिर अगर कोडिंग राउंड में क्या जनरली क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी चीजें छूट जाती है हमसे, हम कोलन ही नहीं देते, फिर सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, तो वो एक इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, आप सीख के ट्रांजिशन कर रहे हैं या फिर जो भी है, राइट? वैसा नहीं होना चाहिए, आप
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इस चीज की, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए। मेबी। और इसमें एक और पार्ट आते हैं, एलिफ और यल्स। एलिफ का मतलब यल्स इफ होता है, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं तो फिर यल्स, यल्स स्टेटमेंट में चला जाता है, यल्स ब्लॉक में चला जाता है। इसलिए वो फोर टाइप्स होते हैं इसके, इफ, इफ यल्स, इफ एलिफ यल्स और इफ एलिफ। ये सारे सिंपल है, बहुत आसान है, क्योंकि ये मतलब इंट्यूटिव है, हमें समझ में आता है कि अरे हाँ ये नहीं तो ये। फिर जैसे इस यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड बिगेस्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ का लॉजिक देखो, ये आपको समझ में आएगा। हम N1 और N2 यूजर से ले रहे हैं, और यहाँ पे वन, मैं वन लिखता हूँ, यहाँ पे टू लिखता हूँ, और यहाँ पे इवेलुएट होके आया बिगेस्ट नंबर इज टू। अब कैसे इवेलुएट हुआ है, पहली कंडीशन हम लिख रहे हैं कि इफ इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, प्रिंट क्या करो, बिगेस्ट नंबर इज N1। नहीं तो क्या करो, फिर एक ही कंडीशन बचती है। और यहाँ पे उस कंडीशन को लिखना जरूरी है क्या? नहीं है, या फिर लिखना भी है तो आप लिख सकते हो यल्स इफ करके फिर लिखना पड़ेगा आपको। यल्स नहीं, यल्स मतलब फाइनल ब्लॉक है ये, यल्स नहीं, यल्स इफ, एलिफ, ALIF, एलिफ N1 इज लेस देन N2, प्रिंट द बिगेस्ट नंबर इज N2। बस ये अल्टरनेटिव कुछ वेज है, आप जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर जो भी आप लॉजिक लगा लो, अल्टरनेटिव वेज काफी सारे हैं, आप कौन सा भी वे चूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पे प्रिंट, तो इसका मतलब क्या होता है, वी इवेलुएटेड द टू नंबर्स। अब ये लिखा है मैंने इसके बाहर, और मैंने अगर सेम इनपुट दिए तो आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? इट विल ये ऑलवेज सेम प्रिंट करेगा, ऑलवेज ही प्रिंट करेगा ये। ये ऑलवेज प्रिंट करेगा, क्योंकि ये हमने इस ब्लॉक से बाहर लिखा है, इस ब्लॉक में नहीं है, इसलिए ये डिस्पाइट ऑफ दीज कंडीशन और डिस्पाइट ऑफ दीज ब्लॉक्स वी विल बी प्रिंटिंग दिस लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट, वन टू और ये फिर से टू, फिर से टू मिला बिगेस्ट नंबर, और वी इवेल्युएटेड द टू नंबर्स। ये हमेशा मिलेगा हमें, क्योंकि इसका और इन इस ब्लॉक का, इफ एल्स ब्लॉक का कुछ रिलेशन नहीं है, इसको हमने बाहर डिक्लेयर किया है। ठीक है, और कुछ प्रोग्राम से होमवर्क के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स और थ्री नंबर्स और इवन और ऑड, चेक द नंबर इज इवन और ऑड। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो आप। कभी कभी इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं कि हाउ यू कैन चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, और गेट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट, इवन नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट और प्राइम नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट। तो ये सिमिलर सिमिलर लॉजिक के ऊपर काम करता है। चलिए, इसके ऊपर इंटरव्यू में एज सच डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिकल आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया इसका एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया इंटरव्यू का, इसके बारे में इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स में दो है, फॉर लूप वाइल लूप।
if we want to execute a group of statements multiple times, then we should go for iterative statements. Python supports two types of iterative statements. एक तो for loop है और दूसरा while loop है. अब for loop में क्या है? If we want to execute some action for every element present in the some sequence, then we should go for loop. अगर कोई भी sequence है, sequence का मतलब क्या बता सकते हो आप? आप बता सकते हो? Combination of same numbers linear in a linear equation or can be called sequence. Like having similar type of repetitions. My मतलब उसमें कुछ difference है जो same way में चल रहा है follow हो रहा है आगे तक. अच्छा like थ्री का डिफरेंस हो तो थ्री या कोई उसमें जो है ना रिपीटेशन का कुछ ना कुछ रिलेशन है आपस में. हाँ बस ये क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है. सिर्फ सीक्वेंस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज. जैसे कि 1 2 3 4 एक लिस्ट में हमने सेव किया या फिर टपल में सेव किया, वो हो गया सीक्वेंस. सीक्वेंस ऐसा नहीं हो कि वो रेंज होना चाहिए या फिर 1 2 3 4 ऐसे ही होना चाहिए. वो कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं उसमें, वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती है. जैसे कि 2 4 100 200, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं. ये अम्ब्रेला टर्म है. इसमें सीक्वेंस में क्या होता है, स्ट्रिंग भी आती है, लिस्ट आती है, टपल आता है, डिक्शनरी आपकी, सब सारे जो सीक्वेंस एलिमेंट्स है वो सारे आ जाएंगे, नॉन सीक्वेंस नहीं आएंगे. जैसे कि नन डेटा टाइप या फिर जो सिंगल सिंगल नंबर्स है वो भी सीक्वेंस नहीं है, वो नंबर्स है. इंटीजर फ्लोट हो गया, वो सिंगल एलिमेंट है, वो सीक्वेंस नहीं है. सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स क्या है हमारे पास, हमने वो देख लिए थे, राइट? और अभी इसका सिंटैक्स क्या है? फॉर एक्स इन सीक्वेंस, फॉर एक्स इन कोई भी सीक्वेंस. सीक्वेंस यानी कि लिस्ट है, स्ट्रिंग है, कोई भी वैल्यू है, उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, कोलन. और जो भी आपको स्टेटमेंट्स लिखना है, बॉडी, उसमें बॉडी आ जाएंगी, बॉडी स्पेस इंडेंट करके आ जाएगी. जैसे यहाँ पे बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीक्वेंस. यहाँ पे देख लो, यस इक्वल्स टू हमने लिखा है रामचरण और ये स्ट्रिंग डिफाइन किया हमने. और हम फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर एक्स इन यस क्या करो, प्रिंट एक्स करो. एक्स इन यस मतलब कि ये जो है, आप कोई भी एक लेटर, इंग्लिश का लेटर या फिर कोई भी एक वर्ड भी दे सकते हो. इसका मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट में आपको इटरेट करना है. फॉर एक्स लिखो, फॉर आई लिखो, जनरली हम आई और एक्स लिखते हैं, या फिर के लिखते हैं, वी लिखते हैं, की के फॉर की, वी फॉर वैल्यू. जनरली ये नेमिंग कन्वेंशन हम यूज करते हैं. और यहाँ पे तो हमें सीक्वेंस देना है. सीक्वेंस यहाँ पे क्या है? यस है, यस स्ट्रिंग है, तो यस सीक्वेंस हुआ हमारे लिए. और हम क्या करना चाहते हैं,
सॉरी कुछ नेटवर्क इशू था शायद, हाँ इलेक्ट्रिसिटी इशू है यहाँ पे। मेरी आवाज़ आ रही है अभी आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी, यस आ रही है, थैंक यू। चलिए, मैं कहाँ था, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10, मैं मतलब खुद ही बोल रहा था और मैं किसी को पूछ भी रहा था कि यहाँ पे अगर मैं एक्स प्रिंट एक्स लिखता तो क्या प्रिंट होता, ये मैं किसी को पूछ रहा था, तब तक आप थे या फिर उससे, मतलब मैं कहाँ तक था, कोई बता सकता है? हाँ यहीं पर रेंज में आना ही था, इससे पहले रामचरण का हुआ था ये। हाँ एक्स एक्स में थे हम, ठीक है, ये फिर से हम रिपीट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है हमने कि फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10 प्रिंट हेलो, अब ये 10 बार इसने प्रिंट हेलो करके लिख दिया हमें, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता कि प्रिंट एक्स फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10 प्रिंट एक्स, तो मुझे क्या आउटपुट आता, तो मैं ये सवाल पूछ रहा था। हाँ हाँ बोलिए। 0 to 9, राइट, वेरी गुड, 0 to 9 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, 3, 4, क्योंकि ये क्या कर रहा है अभी, एक्स इन रेंज ऑफ 10 देख रहा है। अब रेंज क्या है, यहाँ पे ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया हमने, लिस्ट L इक्वल्स टू 0 to 9। अब ये हर एक एलिमेंट में देख रहा है कि 0, पहले तो 0 एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा और फिर बोलेगा कि 0 इन रेंज 10, हाँ है, तो प्रिंट 0, प्रिंट एक्स बोल रहे हम, और वैसे ही इटरेट करके वो सारे नंबर्स हमें दे देगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज। अब यहाँ पे एक्स लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो आप। मनु लिख सकता हूँ मैं ऐसे? नहीं, क्यों, ये स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा ये तो। अच्छा ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग है ये। अच्छा, और अगर मुझे एक प्रिंट करना है तो जो एग्जैक्टली वेरिएबल है वही लेंगे हम, वही लेंगे, राइट राइट, वेरी गुड। अगर ये वेरिएबल है, वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में मत लो आप। फिर से इनिशिएट हो रहा है, देख लो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि रेंज क्या बोलता है, 0, 0 से शुरुआत होता है हमेशा रेंज, या फिर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो आप, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है शुरुआत में, तो 0, 10 कर दो, तो 0 to 9 up to 10 नॉट इंक्लूडिंग 10 ये प्रिंट कर देगा। स्टेप साइज देना है तो वो करो, स्टेप साइज भी लिख दो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, डिस्प्ले द ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 20। अब हमें क्या करना है कि ऑड नंबर्स डिस्प्ले करने हैं 0 to 20 में। इस एक तो ये वे है कि आप एक लिस्ट इनिशिएट करो, L इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैन्युअली लिखो, या फिर मैन्युअली बहुत लेंदी प्रोसीजर है, मैन्युअली क्यों लिखना है जबकि हमारे पास रेंज फंक्शन ऑलरेडी है पाइथन में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ डायरेक्ट आप लिख रहे हैं 21, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमें कि 0 to 20 चाहिए रेंज, इसलिए हम 21 तक ले रहे हैं, क्योंकि अप टू 21 नॉट इंक्लूडिंग 21, ये फॉर्म मतलब ये डेफिनेशन है रेंज का। तो फिर फॉर लूप में हम इफ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं अभी, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 12, अब ये देखता है कि एक्स इफ एक्स मॉड्यूलो 2, मतलब कि रिमाइंडर मुझे 2, 0 नहीं मिलना चाहिए, तब आप क्या करो, प्रिंट एक्स करो,
रिमाइंडर जीरो नहीं मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ही मुझे क्या करो, प्रिंट एक्स करो, नहीं तो फिर मत करो, आगे इटरेट करो, इटरेट करते जाओ जब तक कि सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं होते इस रेंज में, इस रेंज के सारे एलिमेंट जब तक खत्म नहीं होते तब तक ये लूप फिर चलता रहेगा इफ। तो पहला नंबर क्या है, जीरो है। अब जीरो दो से हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो स्कीप हो गया। फिर आ गया वन, वन डिवाइडेड बाई टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो 0.5 में आ जाएगा तो नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हमने वो लिया है। बट मुझे लगता है कि ऑड नंबर आता है क्या, वन, वन इज द ऑड नंबर और नॉट? यस 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 यस, वन इज ऑड नंबर, वन इज ऑड नंबर, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, यस, बिकॉज इट्स नॉट डिविजिबल बाय, सिंपल सिंपल हमने वो फॉर्मूला लगाया है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू। अब ये आएगा टू पे, टू डिवाइडेड बाय टू कितना होता है, रिमाइंडर उसका जीरो होता है, टू डिवाइडेड बाय टू रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, तभी वो प्रिंट एक्स लिखा है। अगर ये जीरो होता है तो फिर प्रिंट होगा क्या, एक्स नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो आगे वाले एलिमेंट में इटरेट करेगा, फिर आगे आगे का एलिमेंट क्या है, थ्री है, थ्री डिवाइडेड बाय टू इज नॉट इक्वल, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो मॉड्यूलो, राइट, तो रिमाइंडर, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ रिमाइंडर तो जीरो नहीं आ रहा है तो इसलिए वो प्रिंट हो गया, थ्री प्रिंट हो गया। वैसे ही सिमिलरली we are printing all the odd numbers between 0 to 20. चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 10 टू 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 10 टू 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। तो रेंज को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 10, 0, -1, माइनस वन क्यों, वो ये स्टेप साइज लिखी है, शुरू करो 10 से, एंड या एंड इंडेक्स क्या होगा, 0 या फिर एंड एलिमेंट 0 अप टू 0, और स्टेप साइज कितना होगा, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स एंड स्टेप साइज, ये सारा लिख रहे हैं हम, और सिर्फ प्रिंट एक्स सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हैं हम उसमें, तो सारे जो नंबर्स है इनसाइड दिस रेंज ऑफ 10, 0 तो प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको एक इवैल्यूएट मुझे लगता है कल मैंने समझाया है आपको, मतलब प्रीवियस लेक्चर में इवैल्यूएट फंक्शन, तो इवैल्यूएट फंक्शन हाँ शायद ये हमने देखा है, फिर भी थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इसको हमने क्या देखा है फिर क्योंकि और वाइल्ड लूप फ्रेशर्स तो एक बार थोड़ा सा थ्योरी में आपको समझा देता हूं। अब यहां पे हो रहा है कि फॉर ईच आइटम इन द सीक्वेंस, फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस हम क्या कर रहे हैं, चेक फॉर आइटम, अगर वो आइटम है तो, नहीं है तो बंद करो, अगर है तो हम अब क्या करेंगे, इफ देयर इज एन आइटम इन द सीक्वेंस वी नीड टू एग्जीक्यूट लूप बॉडी। ये क्या करो हम एक
नहीं तो फिर क्या करो, अगर ये खत्म हो गए सारे एलिमेंट्स, इफ नो आइटम बी मे बी नो आइटम इज रिमेनिंग बोल सकते हो, अगर उसमें कोई आइटम आ नहीं रहा तो क्या करो, सिंपली एग्जिट द लूप, इस लूप को क्या करो आप, एग्जिट कर दो, बंद दिया। अगर लिखना है एक प्रोग्राम टू काउंट काउंट द नंबर्स, नंबर सिर्फ इवन इंटीजर के, ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स इन द लिस्ट, एक लिस्ट है। अब लिस्ट क्या है, इंटीजर्स की एक लिस्ट है हमारे पास, इंटीजर्स बोल के लिखता हूँ इस लिस्ट को, डिफाइन करता हूँ, और 8 है, 4, 6, 21, 9, ऐसे कुछ लिस्ट है हमारे पास। और मुझे क्या करना है कि नंबर का काउंट चाहिए, the count of even number चाहिए मुझे, तो यहाँ पे count of even number बोल दीजिए मुझे, क्या है कितना है, आलोक 18 yes कितना है, दो तीन 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 sorry तीन तीन हाँ तीन है, कौन कौन से है, इवन नंबर 8, 4, 6 राइट राइट, ये तीन नंबर्स है। अभी 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 हमें मे बी हमें अगर लूप चलाना है या फिर सिर्फ इवन नंबर का काउंट निकालना है, तो कोई भी काउंट निकालना है तो जनरली हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, पहला काउंट जब हमें इवन नंबर मिलता है लिस्ट में, तब तब हम इसमें एक एक ऐड करते जाएंगे, अगर 8 मिला तो ये 0 की जगह पे 1 हो जाएगा, इसको मॉडिफाई करते जाएंगे हम। अब इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो वी नीड टू इटरेट ओवर दिस लिस्ट, इटरेट ओवर दिस लिस्ट, तो कैसे इटरेट करना है हमें, फिर से फॉर लूप करके, क्योंकि ये फाइनाइट लूप है, ये भी फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो फॉर आई इन एलिमेंट और आइटम, फॉर आइटम इन कोई भी लिखो, यहाँ पे तो कुछ भी नाम लिखो, वी ए एल वैल्यू भी लिखो, कुछ भी चलेगा, इन इन क्या इंटीजर्स, अब ये सिक्वेंस है, ये इसका नाम कुछ भी लिखा तो चलेगा क्या, नहीं इसका नाम यही लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो फिर वो कहाँ ढूंढेगा ये आई एलिमेंट। फिर क्या आता है, अब ये तो इटरेटर हमने मतलब शुरू कर दिया एक, बट हमें कुछ लॉजिक लिखना है, आई लिख दूं तो ये नंबर मिल गया मुझे, बट ये नंबर क्या लिखूं मैं, अब आगे यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे ना कि इसका जो है रिमाइंडर ऑड नंबर का तो लिख दिया, हाँ फिर उसके अंदर जो जाएगा वैल्यू आएगा उसको हम काउंट में ऐड करते जाएंगे, रिमाइंडर जीरो राइट, हाँ रिमाइंडर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ आई सॉरी आई मॉड्यूलो टू, हाँ आई मॉड्यूलो योर वॉइस इज ब्रेकिंग राजेश, टू राजेश योर वॉइस इज ब्रेकिंग,
अच्छा, सेकंड नहीं है। थिंक यू कैन रीसेट योर नेटवर्क। एक्चुअली मे बी देयर इज पिंग इशू इन योर वाईफाई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, हमें ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा कुछ एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। वापस इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है, तो मैं वाईफाई नेटवर्क मेरा चेंज कर देता हूँ। मतलब मोबाइल फाइल डाटा भी चलेगा आपका मोबाइल डेटा ही यूज कर रहे हैं कौन सा आपको, डेटा? हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट हाँ, रिसेट मोबाइल करना डाटा। पड़ेगा। हॉटस्पॉट रिसेट कीजिए एक बार तो मे बी हो जाएगा ये इशू। ओ अच्छा, एरोप्लेन मोड अच्छा में डाल के दोबारा अच्छा से आप करोगे तो ये एरोप्लेन मोड में नेटवर्किंग। कर दिए तो भी हो जाएगा। हाँ ये भी सही है। एरोप्लेन करना है और फिर से? अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है, तो मैं हटा करता दिया हूँ। दोबारा से नेटवर्क लेगा आपका बेटर देन करंट। अच्छा, ठीक है ठीक इस है, मीटिंग एक के बाद फिर सेकंड। आप वो करना हॉटस्पॉट को रिसेट कर देना एक बार तो वहां आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं हाँ हाँ आएगी। चलेगा चलेगा। ठीक है, अभी देख लीजिए एक बार आवाज कैसी है। बेटर अब ठीक है हाँ, ठीक है ठीक थोड़ी थोड़ी मच ठीक है। बेटर। हाँ यस ठीक है मच मच ठीक है, बेटर। चलिए। ओके ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। चलिए, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। यहाँ तक तो हमने लॉजिक लगा दिया इसका। फॉर आई इन इंटीजर्स, हर इस सीक्वेंस में हर वैल्यू के एक 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 वैल्यू देख लो, और अगर वो वैल्यू उस वैल्यू को हम मतलब इफ द वैल्यू वी डिवाइड इट बाय टू, वी विल गेट, इफ वी गेट द रिमाइंडर जीरो, तब हमें क्या करो? तब यहाँ पे एक लॉजिक अब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या करो, इस काउंट को एक एक से बढ़ाओ, तो काउंट इक्वल्स टू 1 प्लस काउंट। अब इसको मॉडिफाई करो इस काउंट को। अब हम बोल रहे हैं कि काउंट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस काउंट होगा। अब यहाँ पे अगर इसको 8 नंबर मिला है तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आई मॉड्यूलो सॉरी 8 मॉड्यूलो 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू रिमाइंडर 0, क्योंकि 2 4 8 और रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, उस वजह से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। और ये ब्लॉक क्या बोलता है कि काउंट को मॉडिफाई करो, इस काउंट को मॉडिफाई करो इक्वल टू 1 प्लस काउंट। तो यहाँ पे 1 प्लस, पहले तो 0 था, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे इट चेंज टू 1। अब फिर से वो इटरेट करने लगेगा 3 7, उसको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, फिर से इटरेट करेगा 4 4। जब आएगा आइथ आइथ प्लेस पे, यहाँ पे आई की जगह पे 4, तो अब फिर से हम क्या बोल रहे हैं कि 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, तो बोलता है हाँ है रिमाइंडर 0 मिल गया मुझे। अब हम बोल रहे हैं कि फिर अगर 0 मिल गया है तो क्या करो, काउंट को 1 से बढ़ाओ। अब पहले तो काउंट क्या था, 1 था, अब क्या होगा, 1 इसके जगह पे 1 है अभी, तो 1 प्लस 1 ये काउंट हो जाएगा 2। अब ये मॉडिफाई होगा 2 होगा। अब जिसको भी ये अभी अभी के लिए तो आसान लगेगा, बट आपको ये लग रहा होगा कि अरे यार ऐसा लॉजिक कैसे
लिख दूं मैं अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तो, अभी अभी के लिए तो समझने में आसान है, बट तो धीरे धीरे इसकी क्या करनी पड़ेगी, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 100 या फिर 150 प्रोग्राम के आपको ये ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को हर रोज ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 months 5 months आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके वो आने लगेगा। अब मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कोडिंग बैकग्राउंड से है, राइट, तो उनके लिए शायद दिक्कत ना हो, बट जो भी नहीं है उनके लिए हो सकता है कि उनको ज्यादा, या फिर हर किसी को तो प्रैक्टिस करनी ही है, 100-150 प्रोग्राम की तो सब लोगों को आपको करनी है। अगर आपने, मुझे नहीं लगता कि कोई ऑलरेडी पाइथन के ऊपर काम कर चुका है या फिर पाइथन डेवलपर है, तो उस वजह से आपको भी ये सिंटैक्स आना चाहिए। पाइथन का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है, जावा का अलग था, तो हर किसी को तो ये करना ही है। और ये जब हम प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोग्राम अभी मैंने सिखा दिया तो दूसरा प्रोग्राम आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आएगा। ये हर किसी प्रोग्राम की प्रैक्टिस ही करनी चाहिए हमें, तब तब जाके हो सकता है कि हाँ उसी में से वो प्रोग्राम रिपीट हो जाए। एक तो 100-150 की प्रैक्टिस करे तो हम खास वो प्रोग्राम रिपीट होता ही है। कॉम पे आपको मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी रिपोर्ट पे। अभी तक जो पहले मैंने W3 स्कूल बोला था, तो आपको बंद करना है, ये बेसिक्स के लिए क्वेश्चंस। और आगे जो नेक्स्ट से जो होंगे वो आपके कोडिंग राउंड प्लस कुछ वो मिक्स दूंगा आपको, एक 10-15 क्वेश्चन दे दूंगा, उसी में से 3-4 क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो ऐसा ही चलता रहेगा। भी बता रहा हूँ कि हाँ चलो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इटरेबल और इटरेटर क्या होता है, पता है? C++ वाला जैसे ही है, इटरेटर और जावा वगैरह, इटरेबल और इटरेटर iterator is more like आपको एक index मिल रहा है, उसके ऊपर iterate कर सकते हो, जैसे iter और get item, बोलिए methods are defined। अब इसमें दो methods defined होती है, iter या फिर तो iterable मतलब क्या होता है, if something is iterable we can say that it can be looped over। तो iterable क्या होता है, it can be looped over। जैसे क्या iterables क्या होते हैं,
जैसे आपका लिस्ट हो गया, ये आइटरेबल है, इट कैन बी लूप ओवर, क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, टपल है। अब समझा होगा, समझ में आया होगा आपको, राइट? तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जो भी है, सेट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बाइट हो गया, बाइट आरे हो गया, सारे जो है वो इटरेबल है, वो इटरेट हम कर सकते हैं उसमें। गेट आइटम मेथड यूज कर सकते हैं, आइटर मेथड यूज कर सकते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट इन विच दीज मेथड्स ऑलरेडी डिफाइंड। तो ये हो गया आइटरेबल, जो आइटरेट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या है? लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। और दूसरा हो गया आपका आइटरेटर। तो आइटरेटर क्या होता है? इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट दैट maybe we can say that it is a object with a state, object with a state such that it remembers where it is during iterations, during इसको पता होता है कि मैं कहाँ था पिछले बार और अब कहाँ पे हूँ, कौन से एलिमेंट में हूँ। स्ट्रिंग में 1, 2, 3, 4 अगर है तो इस आइटरेटर को पता था कि मैं पहले 1 ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, अब 2 के ऊपर आइटरेट करूंगा। इस आइटरेटर को पता है कि मैं 2 पे था, अब 3 पे जाना है। फॉर लूप में मैं पहले तीन पे था, मैं अब 4 पे जाना है मुझे, इसको पता होता है। तो इसमें एक मेथड होती है, इसको कैसे पता चलता है कि आगे आगे जाना है, इस तरफ जाना है, तो इसमें एक मेथड होती है नेक्स्ट बोल के। तो इट डिफाइंस और इट विल हेल्प टू फेस द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये सीरीज है और ये सीक्वेंस है। इटरेबल क्या है? इटरेबल एक सीक्वेंस है। और आइटरेटर क्या है? कीप ट्रैक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, इट विल कीप ट्रैक ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस। तो ये हो गया इटरेटर वर्सेस इटरेबल। ये अब क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, बट आपको मे बी फ्रेशर्स को सम टाइम दे विल आस्क। तो ये एक आपको मुझे बताना था, या फिर अगर बहुत ही डिटेल में आपको ये सीखना है तो उसमें काफी सारे एक्चुअली ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, अगर ये आपको देखना है तो कुछ एक ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, अगर ये इंटरनली कैसे वर्क होता है। तो हम क्या करते हैं, एक लूप क्रिएट या फिर एक UNTRY कंट्री इक्वल टू एक लिस्ट इनिशिएट कर रहे हैं हम। अब कंट्री में है आई इन फॉर इंडिया, US, IND करता हूँ, IND, US, मे बी UAE, ठीक है, इतना काफी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वी आर क्रिएटिंग आइटरेटर ऑब्जेक्ट, क्रिएट आइटरेबल ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक वर्किंग कैसी होती है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसके बाद क्या आएगा, हम हर एक आइटम में इटरेट कर रहे हैं हम, तो इटर अंडरस्कोर इटर ऑब्जेक्ट हम एक इनिशिएट कर रहे हैं और इटर रहे हम
country, country, we will be iterate over country. और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, while. अब while कब तक, while जब तक ये condition true है तब तक आप क्या करो, तो उसमें एक आता है फिर try block. ये मैं सब सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको, और जितना ये optional है ठीक है आपके लिए अभी के लिए, क्योंकि ये backend में for loop की working देख रहे हैं हम, जो भी python virtual machine में stored है. फॉर लूप कैसे बैकएंड में काम करता है उसका एग्जांपल है ये. ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ये वाइल्ड लूप अभी के लिए तो समझ में नहीं आएगा, अभी एक 10 मिनट आप दे दीजिए. फॉर लूप के बाद वाइल्ड लूप हम शुरू करने वाले हैं, तब आपको और वो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट मेथड को यूज करना है. अभी हम क्या बोले थे, यहाँ पे दो मेथड ये यूज करता है, इटर और गेट आइटम. और यहाँ पे इटरेटर क्या बोलता है, नेक्स्ट एक इटरेटर नेक्स्ट मेथड को यूज करेगा. तो यहाँ पे टू गेट द नेक्स्ट आइटम हम क्या करने वाले हैं, एक एक आइटम को, तो मुझे एक एक आइटम को हम इटरेट करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मेथड को एक डिफाइन करना पड़ेगा. यहाँ पे आइटम इक्वल्स टू एनईएक्सटी ऑफ एनईएक्सटी, किसका एनईएक्सटी, इसका इसमें इटरेट करना है ना, तो इसका नेक्स्ट 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 एलिमेंट हम देखना चाहते हैं. तो हमने सीधा सिंपली यहाँ पे लिख दिया मे बी आइटम, ओनली आइटम, दिस आइटम हमें वी नीड टू प्रिंट दिस. और ट्राई मे बी इस ट्राई ब्लॉक में हमें फिर हाँ ट्राई ब्लॉक में हमें एक्सेप्ट करके लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट मेथड्स में आपको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तब मैं ये सिखाने वाला हूँ सारी मेथड्स. ये इनबिल्ट मेथड है स्टॉप इटरेशन. ये स्टॉप इटरेशन किस लिए है, इफ टॉप इटरेशन is raised it will break our loop. अगर ये raise हो गई ये condition, तो हम क्या करने वाले है, इसको break करने वाले है. मतलब कि stop iteration यानी क्या, जब तक last element हम access कर पाते हैं तब तक इस loop को try करते रहो. अगर ये यहाँ के element सारे खत्म होते हैं stop iterating, तो उसको क्या करो, उसको break करो. ये वाला logic उन्होंने backend में लिख के रखा है, ऐसा similar logic. इस logic में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें तो आसान ऐसे फॉर लूप एग्जीक्यूट करने हैं. ये तो मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन में ऐसा कुछ होता होगा. देखिए यहाँ पे ये तीनों उन्होंने हमें प्रिंट करके दे दिए. तो ये बैकग्राउंड में इटर और नेक्स्ट कॉल हो रही है, मेथड्स कॉल हो रही है. और ये कहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, इटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर. ये है कुछ थ्योरी, किसकी थ्योरी, या फिर जो भी बैकग्राउंड में वर्किंग है फॉर लूप की, वो हमने अभी देख ली. थोड़ी सी हो सकता है मुश्किल हो, बट हमें वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ये फॉर फंक्शंस फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना है. तो ये सबसे आसान वाला है फॉर लूप सबसे आसान होगा मेरे, एटलीस्ट मेरे लिए. तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और उस इसके लिए लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, वो मतलब उतना सिंपल नहीं होता फॉर लूप जितना सिंपल ये लूप, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है. अब इनफाइनाइट लूप क्या होता है, जब तक कोई कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती तब तक वो लूप चलता रहेगा, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट बोलते हैं. यहाँ पे इटरेट करने की जरूरत नहीं होती है. अब जैसे यहाँ पे देख लो, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इटरेटिवली अंटिल सम कंडीशन बिकम फॉल्स, देन वी शुड गो फॉर व्हाइल लूप. अभी मुझे सेम जैसे हमने फॉर लूप यूज करके हमने कुछ 1 to 10 नंबर्स प्रिंट किए थे,
फॉर आई इन रेंज ऑफ वन कोमा इलेवन प्रिंट आई सेम व्हाइल लूप में इंप्लीमेंट कर रहा है, वो काउंट करने के लिए एक्स वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है आउटसाइड द व्हाइल लूप। अब इसको मॉडिफाई करते जाना है हमें इस एक्स को, तो एक्स इक्वल्स टू वन लिख दिया मैंने पहले तो यही पे एक्चुअली रियल लाइफ में यहाँ पे समझ में नहीं आता हमें कि एग्जैक्ट क्या इनिशिएट करना चाहिए हमें यहाँ पे जीरो इनिशिएट करना है वन, बट धीरे धीरे वो लॉजिक बिल्ट होता जाएगा आपको जब आप कम से कम एक 10-15-20 प्रोग्राम वाइल्ड लूप की प्रैक्टिस नहीं करते वो फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अरे हाँ वाइल्ड लूप के बाहर एक डिपेंड्स अपॉन यूर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन। बट यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू वन लिख दिया मैंने और फिर व्हाइल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, अगर ये एक्स 10 से कम है या फिर इक्वल टू 10 है 10 है तो क्या करो प्रिंट एक्स करो और उसके बाद क्या करो इसके बाद इसको मॉडिफाई करो, ये प्रिंट हो गया उसके बाद एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दो, इसको मॉडिफाई कर दो। तो यहाँ पे पहले क्या होगा x equals to 1 होगा जो कि है ऑलरेडी है यहाँ पे लिखा हुआ, तो बोलेगा कि x is less than or equal to 10 है क्या, हाँ जवाब मिला हाँ है, तो मैं क्या करता हूँ प्रिंट वन कर दिया। अब यहाँ पे फिर से ये while ब्लॉक में लिखा हुआ है तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा x equal to x plus 1। अब x क्या है 1 है, x प्लस 1 क्या है 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा अब 2 होगा। अब ये फिर से while ब्लॉक में चला जाएगा, while 2 is less than or equal to 10 हाँ है तो print 2। फिर ये क्या करेगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। वी आर गेटिंग द नंबर, इसकी प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी के लिए थोड़ा सा वो हाँ मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स हो तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा राइट, या फिर और आसान भाषा में समझाना है बताओ आप जैसे भी, या फिर इससे तो आसान क्या हो सकता है, बट हाँ एक बार बता तो दो कि समझ में आ रहा है फॉर लूप और वाइल्ड लूप कैसे कैसे इंप्लीमेंट। क्या था इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, रंजन समझ में आ रहा है, रविंदर, आलोक, मनु, आशा, यस नो कुछ, यस यस राजेश समझ में आ रहा है राइट। यहाँ पर राजेश एक्स प्लस प्लस होता है क्या, एक्स माइनस माइनस, एक्स प्लस इक्वल्स टू होता है, एक्स प्लस प्लस नहीं एक्स प्लस प्लस ठीक है एक बार करके देखना पड़ेगा मुझे भी, बट नहीं होता है मैंने यही सिंटैक्स मुझे पता है कि x इक्वल्स टू प्लस प्लस होता है, x इक्वल्स टू प्लस एक बार करके देखे
नहीं देखा अभी तक मैं। नहीं होता है यहाँ, ठीक है, ये शायद हमें हमने क्रॉस चेक कर दिया। x प्लस प्लस वन यहाँ पे देखो कितना वो रन हुआ है। राजेश x प्लस प्लस ओनली नॉट x प्लस प्लस वन। x प्लस प्लस ओनली यस, नहीं ये सिंटैक्स ही नहीं है, ये शायद मुझे लगता है सी में सिंटैक्स। हाँ सी में है, डॉट नेट में भी है, सी में भी है, जावा में भी है, डॉट नेट में भी है। लिख सकते हो x प्लस इक्वल टू वन, जैसे कि हमने लिखा था x प्लस इक्वल टू वन। तो कल भी हमने वो मतलब लास्ट लेक्चर में भी हमने वो देखा था। उस टाइप कुछ यूज कर सकते हो आप। फर्स्ट एन नंबर्स की हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो एक इनपुट ले रहे हैं हम यूजर से, उस इनपुट का कन्वर्जन इंटीजर में भी हम कर रहे हैं उसी वक्त। और फिर ये इनपुट एन मिल गया हमें, तो फिर हम अपना लॉजिक लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। अब लॉजिक क्या है, सम इक्वल्स टू जीरो, एक वेरिएबल इनिशिएट किया है हमने और उसका वैल्यू जीरो रख दिया। फिर i इक्वल्स टू वन कर दिया हमने, i इक्वल्स टू वन, और एक वेरिएबल चाहिए मुझे। क्यों चाहिए, क्योंकि हम लिख रहे हैं कि इफ i इज लेस देन और इक्वल टू वन, अगर ये लेस देन और इक्वल टू वन है तो मुझे क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस i करनी है। और इसको i को एक एक ने एक एक, एक नंबर से बढ़ाते जाना है हमें, i इक्वल टू i प्लस वन करते जाना है। तो प्ले द सम ऑफ, तो यहाँ पे देख लो कि अगर ये एंटर द नंबर, हमने 5 एंटर किया है नंबर को, अभी हम लिख रहे हैं कि i ये एक जो है और लेस देन 5 है क्या, हाँ है, लेस देन 5 है। तो क्या करो, 1 प्लस 1 करो, सम सॉरी 0 प्लस 1 करो, 0 पहले तो 0 था, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, दूसरी अब जो दूसरा इटरेशन है वहां पे हम लिख रहे हैं i इक्वल्स टू 2, तो i इक्वल्स टू 2 इज लेस देन और इक्वल टू n है क्या, जो कि हमने 5 लिखा था, यूजर ने 5 लिखा था यहाँ पे, हाँ है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, सम इक्वल्स टू सम, मतलब कि ये सम पहले अब 1 है, 1 प्लस 2 3 हो गया। तो ऐसे करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करके हमें वो 15 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये होमवर्क है, आपको ये ट्राई करना है कि यही सेम लॉजिक हम फॉर लूप यूज करके बिल्ड कर सकते हैं क्या। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं, इसका आंसर आपको ढूंढ के कल के लेक्चर में आपको मैं पूछ लूंगा, ठीक है। मैं भी लिख लेता हूँ। क्योंकि और ये थोड़ा सा पाइथन ही है जो कि जहाँ पे काफी सारा
दिमाग लगाना पड़ता है या फिर थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ता है। इसके आगे के जो भी मॉडल्स है, सिक्वल आसान है, इवन स्टैटिस्टिक्स आसान है, क्योंकि मैं आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। वो भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग उससे ज्यादा तो आसान कुछ है ही नहीं, ठीक है। मशीन लर्निंग से ज्यादा आसान कुछ नहीं है, और इवन डीप लर्निंग से भी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, सारे लोगों को जो आती है वो पाइथन में ही आती है। तो ये जो भी कोर्स का हमारा ड्यूरेशन है 9 महीने का, तो हर रोज आपको एटलीस्ट एक प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है उसमें, छोटे छोटे, ऐसे ही छोटे 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 प्रोग्राम्स की। Using for loop, बस इसका लॉजिक आपको सर्च करना है, ताकि आपको वो डिफरेंस पता चले कि इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाते हैं तो वो आसान है या फिर वाइल लूप यूज करना आसान है, ठीक है। कभी कभी मैं हम इनफाइनाइट लूप्स में चले जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, i इक्वल टू जीरो और हमने लिखा है वाइल ट्रू, वाइल कंडीशन इज ट्रू, तो मतलब ये हो गया इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू। जब तक ये कुछ कंडीशन ट्रू है तो तब तक क्या करो, इस ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आई इक्वल टू आई प्लस वन, अब यहाँ पे क्या हुआ है, आई इक्वल टू जीरो डिफाइन किया था हमने, हम ये क्या कर रहे हैं, एक एक से बढ़ा रहे आई को, कब तक बढ़ा रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है हमने कब तक। वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 लिखते तो 10 तक बढ़ाता उसको, बट अभी लिखा है कि ट्रू, वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, बढ़ाते जाओ उसको, और फिर हमारा नोटबुक पूरा से आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन सर्वर क्रैश हो सकता है इससे, इस छोटे छोटे प्रोग्राम से। तो वाइल लूप का एक थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिंटैक्स आता है या फिर जो भी लॉजिक लगता है यहाँ पे फॉर लूप का लॉजिक क्या है, हम लिख रहे हैं कि वाइल कंडीशन और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, स्टेटमेंट और यहाँ पे भी एक, मान के चलो कि कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिया हमने, जो भी कोड जो भी आपकी लूप बॉडी है, बॉडी बोलते हैं ना इसको, हम इसको तो बॉडी बोलेंगे, लूप बॉडी, तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगी एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, तब तक ये बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होती जाएगी। और ये कंडीशन क्या है कि इट इज एनी एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, कंडीशन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स, एक्सप्रेशन है दैट विल इवैल्यूएट टू, एक तो ट्रू और फॉल्स तक ये इवैल्यूएट करता जाएगा। एक्सप्लिसिटली बुलियन वैल्यू हमने लिख दिया तो कंटिन्यू ट्रू और कंटिन्यू फॉल्स में चला जाएगा, बट हम अगर हमने लिख दिया कि n इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये इवेल्युएट करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं है, n इज लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं है या फिर 5 नहीं है, तब तक ही, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ही वो इवेल्युएट करेगा, उसके बाद बंद करेगा वो, इसको बोलते हैं कंडीशन। ये हो गया आपका बॉडी, बॉडी विल एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, और ये जो है ये इंडेंटेशन है, आपको पता है ये इंडेंटेशन है, उसके बाद आता है एल्स, और उसके बाद फिर से यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो भी लिखना है आपको। तो एल्स कब एग्जीक्यूट करेगा, इफ द कंडीशन बिकम फॉल्स, ये कब एग्जीक्यूट होगा, इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप, अगर ये फॉल्स हो गई तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये ट्रू है तब तक इसी में घूमता जाएगा, एल्स तक कभी नहीं आएगा। बट अगर कुछ n इज लेस देन और इक्वल टू 5
कर दिया और ये यहाँ पे एंड हो गया 5 तक इटरेट करते करते, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एल स्टेटमेंट में जो भी आपने लिखा है ये स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए इसका ये सिंटैक्स आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, काउंट इक्वल टू जीरो कर दिया और मैंने एक लिख दिया कि व्हाइल काउंट इज लेस देन लेट्स से 5, तो क्या करो प्रिंट क्या करो काउंट कर दो और उसके बाद क्या करो काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लिख दी, एक्सप्रेशन लिख दिया जो कि दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स, तो लेस देन 5 है तब तक वो ट्रू बोलेगा, फिर बाद में उसको फॉल्स बोलेगा और बंद कर देगा लूप को, ठीक है। और ये बाकी तो स्टेटमेंट्स आपको पता है, ये हो गया आपके बॉडी। तो बॉडी में हमने क्या बोला था कि इट विल एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, द बॉडी विल गेट्स एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तक क्या करो मुझे इस बॉडी को एग्जीक्यूट करते जाओ। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आएगा, कोई बता सकता है? अगर ये मैं काउंट चलाता हूँ, लूप चलाता हूँ, तो जीरो टू फोर आएगा। वेरी गुड, 0, 1, 2, 3 और 4। पहले तो जीरो था, काउंट जीरो, तो काउंट प्रिंट करना है हमें, यहाँ पे काउंट प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये जीरो है। तो फिर हम बोल रहे हैं कि काउंट में एक ऐड कर दो, तो जीरो की जगह पे अब क्या हो गया, 1 आ गया, तो 1 हमने ऐड कर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा। उसके बाद और एक से बड़ा बोल रहे हैं हम काउंट को, फिर यहाँ पे 2 आता है, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 आएगा और लेस देन 5 बोल रहा है, ये इक्वल टू 5 नहीं, काउंट इज लेस देन 5, लेस देन और इक्वल टू 5 होता तो फिर 5 भी आता, यहाँ पे नहीं आएगा, तो 0 to 4। धीरे धीरे मतलब समय लग सकता है ये चीजें समझने के लिए, बट वो आ जाएगा आपको इवेंचुअली। हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और एक बार प्रैक्टिस भी आप करते जाओगे ना तो ये आसान लगने लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा। जब तक आप कुछ 10-15 या फिर जो भी अगर फुल टाइम कर रहे हो तो, पार्ट टाइम कर रहे हो तो मे बी 2-3 एग्जाम्पल्स हर रोज के जब सॉल्व करने लगेगे तब आपको आदत लग जाएगी कि हाँ यहाँ मतलब ये तो आसान है और आप धीरे धीरे वो खुद लॉजिक बिल्ड करने भी लगोगे अगर आप इंटेंसिव कोडिंग नहीं करते तो। अब आप बोलोगे कि डेटा साइंस में कितनी कोडिंग लगती है, तो अगर आप एआई डेवलपर बनना चाहते हो, एआई डेवलपर, तो वहां पे थोड़ा सा इंटेंसिव लगती है कोडिंग। अगर आप नॉर्मल डेटा साइंटिस्ट रहना चाहते हो तो कम रहती है, बट कभी कभी थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है कि अगर मेरे पास ऐसे ऐसे कॉलम, मान के चलिए कि ये 4 कॉलम्स है और 4 कॉलम्स में कुछ नंबर्स है, 0.7, 0.8, 0.9, 0.3, 0.4, ये प्रोबेबिलिटीज है इस क्लास की। अगर ये मूवी ड्रामा से रिलेटेड है, एक्शन रिलेटेड है, कॉमेडी रिलेटेड है और भी कुछ कैटेगरी जॉनर्स है उसके रिलेटेड है मेरी मूवी, तो हम क्या कर रहे हैं फिर इसको, अगर रो का एलिमेंट ग्रेटर देन 0.5 है तो क्या करो उसको 1 में कन्वर्ट करो, और 1 में कन्वर्ट करने के बाद इसको जो है वो अनपिवोट कर दो ये इसको, मतलब कि अगर एक मूवी है तो
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये तीनों लेबल्स उसको लगा रहे हैं 0.7, 0.8, 0.9, 0.5 के ऊपर वाले। तो ड्रामा भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी एक मूवी है, तीनों है, मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन है, ये सिंगल लेबल नहीं है। सिंगल लेबल का मतलब एक ही लेबल, मतलब मूवी मूवी जॉनर इज ड्रामा, मूवी जॉनर इज एडवेंचर, तो सिंगल सिंगल है, तो सिंगल नहीं है। द मूवी कैन हैव मल्टीपल जॉनर्स, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज मल्टीपल वेज, लाइक मे बी द मूवी इज रिलेटेड टू ड्रामा और कॉमेडी और समथिंग, तो ये हो सकता है, एक ही मूवी दो तीन प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे अब ये लॉजिक आपको लगाना है, और इसको मूवी और एक जॉनर का एक कॉलम है, और यहाँ पे हम मूवी को लिख रहे हैं, यहाँ पे जॉनर को आपको इम्प्यूट करना है। इम्प्यूट यानी कि जो भी मतलब प्रेडिक्ट करना है इस मूवी के क्या जॉनर्स होते, प्रेडिक्ट करते हैं ना हम, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं मशीन लर्निंग में, तो इसका भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये मूवी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो जॉनर क्या होगा इसका, तो ये मल्टीपल जॉनर्स हो सकते हैं। तो ये इसको फिर आपको इस प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ टेबल मिलेगा आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करने के बाद, उसको हमने इस फॉर्मेट को लेके आना है, डी ए सी कॉमा कॉमा करके, ड्रामा है, एक्शन है, कॉमेडी है, सारे मूवीज को ऐसे लिखते जाना है आपको। तो यहाँ पे जो भी लॉजिक लगाना है पाइथन में लॉजिक लगाना है, और थोड़ा सा ये टफ हो सकता है, तब छोटे छोटे ऐसे चैलेंजेस आएंगे उस इसके बाद, मे बी कुछ चैलेंजेस डेटा क्लीनिंग साइड पे आ जाएंगे, कि डेटा कैसे क्लीनिंग में नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि टेबल मर्जिंग, अगर आप इनर जॉइन लगा रहे हो तो वो कैसी रिलेशनशिप हुई है, वन टू वन हुई है, वन टू मेनी हुई है, जो भी कुछ हुआ है वो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज होता है, और यहाँ पे एक बस, बाकी डेटा साइंस में मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग यूज करते हो आप तो उतने चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो AI डेवलपमेंट को तो इंटेंसिव कोडिंग आनी चाहिए, और उसको ओप्स भी आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। हम DS वाले बंदे जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल डेफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में सब कुछ कोडिंग करते हैं। जैसे कि मैंने एक पाइपलाइन दिखाई थी आपको केड्रो वाली, तब आपने देखा था सारे डिफाइंड फंक्शंस थे वहां पे, तो जनरली ये यूज करते हैं हम। बट अभी मेरे रिसेंट करंट प्रोजेक्ट में मैं यूप्स भी यूज करता हूँ, वो MLOps के प्रोजेक्ट से, बट MLOps भी चैलेंजिंग है, बट यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं वो सीखने पड़ते हैं आपको, जैसे डॉकर हो गया कंटेनराइजेशन का, क्यू फ्लो पाइपलाइंस हो गया, ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आपको पता होने चाहिए। एक्सप्लिसिटली कोडिंग नहीं करते आप उतनी ज़्यादा, करते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो सबसे ज़्यादा कोडिंग AI में है, फिर आपकी DS में है, और फिर आपकी MLOps में है, ठीक है। कोडिंग वाइज अगर देखा जाए तो इंटेंसिव क्या है, और हर जगह पे अलग अलग चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि फिर कोडिंग नहीं है तो चैलेंजेस नहीं है, नहीं नहीं, इक्वल इक्वल चैलेंजेस है, अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस है। सिर्फ कोडिंग के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, फिर हमने देखा कि while loop with else statement, else statement तो आसान है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा, सिर्फ while loop में while loop कैसे यूज़ करते हैं इतना ठीक है, इतना sufficient है, else तो आसान है वैसे, इसलिए मैं फिर else अब रिपीट नहीं करता हूँ, else तो एग्जीक्यूट होगा ही, जब वो कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स होगी ऑटोमेटिकली जो भी else में लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप, सॉरी while लूप। इसके बाद एक नेस्टेड लूप्स का कंसेप्ट देखते हैं, नेस्टेड लूप्स, एक मिनट दे दीजिए मुझे, चलिए। अब नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, लूप के अंदर और एक लूप,
और एक लूप, और एक लूप, लूप के अंदर एक लूप, वो क्या मूवी थी, इंसेप्शन, सपने के अंदर, सपने के अंदर सपना, तो वैसे ही है, लूप्स के अंदर लूप है ये, अगर किसी ने नहीं, वैसे तो सबने देखी होगी, ठीक है, चलिए, फॉर आई इन रेंज ऑफ फोर, हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज ऑफ फोर, ये आसान है, पहला लूप आसान है कि हम इटरेट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3 पे, इस चार एलिमेंट के ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं, इटरेट बोलो, आइटरेट बोलो, जो भी आपको सही लगता है, फॉर आई इन रेंज ऑफ फोर, फॉर जे इन रेंज ऑफ फोर, अब क्या करना है, एक और हमने शुरू कर दिया लूप, अब ये क्या करेगा, फॉर जे कोई भी लिखो, कुछ भी लिखो यहाँ पे, आ जे के एल एम एन, कुछ भी जो भी लिखना है, फॉर जे इन रेंज ऑफ फोर, अगेन फोर, प्रिंट क्या क्या करो आप, आई इक्वल्स टू आई कोमा जे इक्वल्स टू जे, मतलब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इंडेक्स जो भी, सॉरी स्ट्रिंग का इंडेक्स नहीं, आई इक्वल्स टू आई, सिंपली वो क्या करो आप, आई प्रिंट करो, और उस इस आई में जो भी जे है उसको एक बार प्रिंट करो, जे बोल के जे प्रिंट करो, मतलब जे इक्वल्स टू जे, अब इसका आई इन 0, 1, 2, 3 तो जीरो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पे भी जीरो पहले, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो प्रिंट करने हम आई और जी करो, तो जीरो है, जीरो है, जीरो प्रिंट हो जाएगा, फॉर लूप होने के कारण यहाँ पे जीरो सेम रहेगा, क्योंकि ये अब इटरेट होता जाएगा, इसका खत्म हुआ है क्या, ये ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है, राइट, हम क्या जनरली बोलते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक क्या करो आप, ये ब्लॉक प्रिंट करो, ये जो मतलब एग्जीक्यूट करो, प्रिंट करो मतलब एग्जीक्यूट करो, इस ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा है फॉर ब्लॉक में, अभी फॉर आईथ एलिमेंट के लिए ये ब्लॉक खत्म नहीं हुआ है, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें ही इटरेट करते जा रहे हैं, अब हम आई जीरो ही रहेगा, क्योंकि हम आई इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, ये इसी को इसको तो पहले खत्म होने दे, इसके बाद इसका आई जीरो की जगह पे वन चला जाएगा, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए फॉर अभी यहाँ पे जीरो था, अभी वन आ गया, तो आई तो जीरो ही रहेगा, जे वन हो गया, फिर आई जीरो हो गया, जे टू हो गया, आई जीरो हो गया, जे थ्री हो गया, हाँ बस, अब वो बोलता है कि हम खत्म हो गया, अब जे आई के लिए जो जे की वैल्यूज थी वो खत्म हो गई है, अब आई की वैल्यू चेंज करो, तब हम जे वाले लोग फिर से शुरू हो जाएंगे, तो ठीक है, आई वैल्यू क्या हो गया, अब वन होगी, तब जे बोलता है कि ठीक है, अब मैं चार बार इटरेट करूंगा, फिर से आई इक्वल्स टू वन, जे इक्वल्स टू जीरो, 1, 2, 3 फिर से हो गए इटरेट, फिर बोलते हैं कि हम खत्म हो गए, अब क्या करो आप, ऊपर वाला आय पहले चेंज कर दो, फिर हम फिर से इटरेट हो जाएंगे, या फिर अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, आय चेंज कर दिया, फिर से वो आय हर वक्त अब दो रहेगा, और जे की वैल्यूज ये ब्लॉक कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा, कब तक, जब तक ये खत्म नहीं होता है एग्जीक्यूशन, फिर से बोलेगा कि हाँ चलो आय की वैल्यू अब चेंज कर दो, चेंज कर दी इस इटरेटर ने, I equals to 3, J equals to फिर से 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 हो जाएगा वो, ये हो गया आपके नेस्टेड लूप्स, अब इसका यूज कब होता है क्या नहीं होता है वो धीरे धीरे में बीच बीच में ऐसे एग्जांपल्स लेता रहूंगा आगे से, एप्लीकेशन धीरे धीरे देख लेंगे ये इनका एप्लीकेशन एग्जैक्ट क्या है, अभी तो ये नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है, ये समझ में आ गया नेस्टेड लूप।
हाँ नहीं कुछ बोला करो। अब जब आप हाँ बोलते हो ना, तब ऐसा होता है कि आप फिर से कॉन्सेंट्रेट करते हो लेक्चर के ऊपर। अगर आप सिर्फ सुनते हो तो बीच बीच में कभी इधर ध्यान दिया उधर ध्यान दिया, या फिर लेक्चर चल रहा है और आप इधर उधर आप आपके बाकी बाकी काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे हम ये भी करने वाले हैं कि आपको आपका कैमरा ऑन करना पड़ेगा सब लोगों को, और धीरे धीरे मैं स्ट्रिक्ट होता जाऊंगा। जब जब ऐसे क्लासेस हम आगे आगे थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे ना, तब तब वो हम वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पहले बहुत स्ट्रिक्ट नहीं। कुछ यस यस अच्छा क्या थोड़ा सा अलग सिस्टम। अगर ये जूम होता तो शायद मुझे पता चलता कि आप चैट बॉक्स में कुछ लिख रहे हो जूम का डिस्क्रिप्शन, बट अभी मैं जोलो के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ रिसेंटली, तो यहाँ पे सिर्फ मेरी स्क्रीन मुझे दिखाई देती है, चैट बॉक्स नहीं दिखाई देता जब तक मैं मतलब जो मीटिंग में चला नहीं जाता तक। बट ठीक है चलिए, एक एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्टार्स इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल फॉर्म। अब इस ये आउटपुट हमें मिलना चाहिए, ऐसा कुछ आप प्रोग्राम ढूंढ के निकालो और उसका वो तो मिल जाएगा आपको आसानी से, बट आपको लॉजिक देखना है कि इससे इसके पीछे क्या लॉजिक था। सिर्फ वो लॉजिक के ऊपर काम करना है आपको। वैसे तो ये डायरेक्टली आप बैठ गए तो हो सकता है कि आपको नहीं आए, और टोटली मतलब वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये तो मुझे नहीं आ रहा है, या फिर क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का आपको टेंशन आ गया, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। धीरे धीरे वो आ जाता है, और कई बार तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन ही देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख के फिर वो लॉजिक के ऊपर काम करते हैं, फिर से वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरे हाँ ये लॉजिक था। पहले तो लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करो, जो भी जैसे भी बनता है, उसके बाद पांच मिनट बाद, पांच मिनट एटलीस्ट पांच मिनट दे दो, मुझे पता है कि नहीं आएगा, हो सकता है कि किसी को ना आए, हो सकता है एक दो को आए, बट अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ लिखने का कोशिश करो, और धीरे धीरे फिर पता चल जाएगा अरे यार यहाँ पे एक काउंटर इनिशियलाइज करना था मुझे, वो नहीं इनिशियलाइज किया मैंने, जो भी है हा? ब्रेक पास और कंटिन्यू। तो ये स्टेटमेंट्स, अब देखते हैं लास्ट आइटम ट्रांसफर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ब्रेक क्या होता है। ब्रेक पास कंटिन्यू एस इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको डिफरेंस पूछे ब्रेक पास कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, बट उसके केस भी काफी कम है। फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं अभी। वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड लूप्स टू ब्रेक लूप एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। मतलब ये तो इंट्यूटिव है, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है कि ब्रेक करो भाई इस ब्लॉक को, इस लूप को ब्रेक कर दो आप। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक हमने लॉजिक लिखा है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 इफ आई इक्वल टू स्क्रीन इज नॉट विजिबल इक्वल टू से वन, प्रिंट क्या करो प्रोसेसिंग इज इनफ प्लीज ब्रेक।
विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस। चलो फिर से मैंने नेटवर्क चेंज किया है, अब वाईफाई पे हूँ मेरे, तो शायद अब थोड़ा सा फास्टर स्पीड मिलेगी अब हमको। चलिए ब्रेक स्टेटमेंट हम देख, स्टेटमेंट इनसाइड लूप्स टू ब्रेक द लूप एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 हम लिख रहे हैं कि इफ एक्स आई इक्वल्स टू 7 क्या करो, प्रिंट सिर्फ, अब ये अगर आई इक्वल टू 7 है तो ही इस ब्लॉक में आएगा, नहीं तो क्या होगा, हर वक्त प्रिंट आई होता रहेगा। अब प्रिंट आई में हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, बट क्या हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो चीज, यहाँ पे हम नीचे लिखने, ओ सॉरी, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये ज्यादा अभी आसान होगा हमारे लिए समझना। अब हम लिख रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 प्रिंट आई, बट इफ आई इज इक्वल टू 7 तो क्या करो, इसको ब्रेक कर दो। एक मिनट मैं चला के देख लेता हूं, क्योंकि ये क्या करेगा, राइट हाँ, प्रोसेसिंग इज इनफ प्लीज ब्रेक। अब ये आई इक्वल टू 7 है तो क्या करेगा, इस पूरे लूप को ब्रेक कर देगा, और 8, 9, 10 हमें दिखाई, मतलब हमें हम उनको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 7 है तो क्या करो, ये प्रिंट करो और इसको ब्रेक कर दो। और एक स्टेटमेंट या फिर और एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। चलिए एक लिस्ट इनिशिएट की है हमने, कार्ट इक्वल्स टू 10, 20, 600, 60, 70 फॉर आइटम इन कार्ट बोल रहे हैं हम। फॉर आइटम बोलो, आई बोलो, जो भी बोलना है, आइटम इन कार्ट इफ आइटम इज ग्रेटर देन 500, अगर ये 500 के ऊपर है तो क्या करो, आप लिखो कि टू प्लेस दिस ऑर्डर इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, कुछ प्रिंट करना है हमें और उसके बाद इसको ब्रेक कर देना है, प्रिंट आइटम्स करने हैं, सारे आइटम्स को प्रिंट करना है, क्योंकि फॉर आइटम इन कार्ट वी आर प्रिंटिंग द आइटम्स एंड इफ द आइटम इज ग्रेटर देन 500 rupees वी आर सेइंग दैट टू प्लेस दिस ऑर्डर यू नीड इंश्योरेंस फॉर दैट ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो 10 के ऊपर इटरेट, मतलब आइटम की वैल्यू 10 थी तो प्रिंट आइटम कर दिया हमने, आइटम की वैल्यू 20 थी तो 20 वैल्यू प्रिंट हो गई, आइटम की वैल्यू 600 है, 600 आइटम की वैल्यू है तो ये क्या करेगा, इफ में चला जाएगा, इफ आइटम इज ग्रेटर देन 500 तो ये प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, बट ये इसमें इटरेट नहीं करेगा, 60 और 70 को इटरेट नहीं करेगा, बट जबकि अगर आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ये भी प्रिंट होना चाहिए तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो आपको कंटिन्यू यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखो 50 और 60 इटरेट क्या है, 500 अगर से ज्यादा है कुछ आइटम की वैल्यू तो ये स्किप करेगा, बोलेगा कि वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम, और उसके बाद 50-60 वो इवेल्युएट करके आपको उसका भी आंसर दे देगा, यहाँ पे वो स्टॉप नहीं होगा, ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हम कंटिन्यू स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो वो ये कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये एडवांटेज है कंटिन्यू का ओवर ब्रेक स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हम अब देख लेते हैं।
we can use continue statement to skip current iteration and continue next iteration. To print odd numbers in the range 0 to 9, for I in range of 10, हम बोल रहे कि if I modulo 2 is not equals to 0, then continue. Otherwise, print I. तो जनरली ये क्या करो, प्रिंट ऊपर ही लिख दो ताकि आपको ज्यादा वो इंट्यूटिव लगे या फिर समझ में आए. तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट आय कर रहे हैं. अगर आय इवन नंबर है तो क्या करो, कंटिन्यू करो, उसको स्किप कर दो. कंटिन्यू यानी स्किप. थोड़ा सा ये पता नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे तो लगता है कंटिन्यू का मतलब स्किप करना, बट हाँ बोलिए. यहाँ पे जो कंटिन्यू आप लिख रहे हो एक्सप्लिसिटली, बाय डिफॉल्ट अगर हम कंटिन्यू नहीं लिखते तब भी तो वही प्रिंट करेगा, राइट? तब भी इफ क्या क्या प्रिंट करेगा फिर? सेम लूप पे 1 3 5 7 9, isn't it? अगर इसको हटा देता हूँ तब नहीं कंटिन्यू, अगर हम कंटिन्यू को हटा देते हैं और इस लूप चलाते हैं तब भी तो यही प्रिंट करेगा ना. अगर नहीं करेगा कैसे करेगा? अब इसमें तो आएगा ही नहीं ना. तुम्हारा कहना सही है, तुम जो कह रहे हो एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि इफ कंडीशन में अगर कुछ भी हम रख देंगे मान लो, ठीक है, और कंटिन्यू के अलावा, तो वो स्किप कर देगा उसको. या तो इफ एल्स के तौर पे आप यूज कर लो या कंटिन्यू यूज कर लो. नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये कंडीशन की लूप में अगर हम कंटिन्यू नहीं लगाएंगे तो भी उसके अंदर आएगा और वो प्रिंट करेगा. एप काम नहीं करेगा ना, उसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, कैसे काम करेगा? अब ये बॉडी नहीं है ना यहाँ पे. बॉडी के अंदर ये डाल देंगे प्रिंट, ठीक है, बॉडी के अंदर में डाल देते हैं. बॉडी के अंदर अगर डाल दोगे तो सिर्फ मॉड्यूलो 2 ही प्रिंट करेगा ना वो. हाँ ये अब इवन नंबर प्रिंट करेगा, ऑड नंबर नहीं ना यूज करेगा. अगर मॉड्यूलो 2 है तो उसको स्किप कर दो, ठीक है, इवन को, और जो है जो बचा हुआ उसको प्रिंट कर दो, राइट? ये उल्टा लॉजिक लिख रहे हैं हम, ऑड का लॉजिक लिख रहे हैं हम. तो यहाँ पे देखो फिर अगर आप जैसे बोले थे वैसे कर दिया तो इवन का आ गया. कंटिन्यू का ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है लेकिन ब्रेक का बहुत बेनिफिट होता है. जैसे हम लोग जो है ये वैल्यू आ गया ना, इवन आ गया, इवन आ गया, इवन आ गया. वो जो पिछला कोड था उसको रन करना आप एक बार कंट्रोल जेड करके या जो भी है, कंटिन्यू लिख दो इसके नीचे बस. अब ये देखो ये रन होगा तो इवन नहीं ऑड देगा. ये जो प्रिंट है सेम जो है उसमें लिखा हुआ, सेम क्या बोलना चाहिए लाइन में, ठीक है, सेम पोजीशन ऊपर इफ का और आप प्रिंट का जो स्टेटमेंट का जो वो देख रहे हो ना, मतलब एक टैब के बाद लिखा हुआ है दोनों में, तो दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंट सेक्शन मान सकते हो आप. तो इफ का वो सेक्शन चाहिए अंदर नहीं आएगा, वो इफ से बाहर लिखा हुआ प्रिंट, इफ का पार्ट नहीं है अब. ओके, जैसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं ना वैसे ये, अगर हम इसको एक टैब और मार देंगे तो ये इफ के अंदर आ जाएगा. इसमें एक बार राजेश आगे करोगे और क्लियर हो जाएगा. अगर आप प्रिंट को जो है ना एक टैब, तो ये अब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यू का मतलब ये हो गया जैसे रिटर्न करते हैं हम, अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा. उस कंडीशन से बाहर जाने के लिए हम कंटिन्यू का यूज कर रहे हैं. अगर उस कंडीशन में कुछ और भी लिखा है ना तो वो रन नहीं करेगा, नेक्स्ट कंडीशन में चला जाएगा, उसके बाहर निकल जाएगा, जो भी आपका स्टेटमेंट है उससे बाहर निकल जाएगा सीधे जंप. ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा उतना भी ये, बट हाँ होप कि अभी आप समझे होंगे. तो we can say that the break statement allows you to exit the loop prematurely. तो ये तो prematurely exit होगा. और continue क्या करता है, it will allow us to skip the remaining code in the loop and proceed to the next iteration. ये
सिंपल दो स्टेटमेंट्स आप याद रख सकते हो, ये स्किप करेगा, और ये अलग अलग है ब्लॉक्स, मतलब ये इस इफ ब्लॉक में प्रिंट नहीं है, ये प्रिंट है इस फॉर ब्लॉक में, और ये इफ फॉर ब्लॉक में है, इफ और प्रिंट, इस प्रिंट में इफ सॉरी इस इफ स्टेटमेंट में इस ब्लॉक में कंटिन्यू है, इसके बाहर नहीं है। तो ये लॉजिक थोड़ा सा उल्टा लिखा है सिर्फ हमने, अगर i मॉड्यूलो 2 है तो उसको स्किप कर दो, तो इसका मतलब यह है कि हमें ऑड नंबर्स चाहिए। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कार्ट पे, तो कार्ट इक्वल्स टू 10, 20, 500, 750, 60, एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, और हम लॉजिक लिख रहे हैं कि फॉर आइटम इन कार्ट इफ द प्राइस ऑफ आइटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, वी आर सेइंग दैट प्रिंट वी कैन नॉट प्रोसेस दिस आइटम और द वैल्यू ऑफ आइटम, और फिर बोल रहे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करो, अगर इसको आप प्रिंट करो और कंटिन्यू करो, स्किप कर दो इसको और प्रिंट, फिर क्या करो आइटम कर दो, जैसे कि यहाँ पे आइटम 10 है, तो फॉर आई 10 इन कार्ट इफ 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 नहीं है, तो ये पूरा स्किप हो जाएगा, ये पूरा ब्लॉक ही स्किप होगा और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट आइटम पे आ जाएगा वो, अगर 20 है तो भी सिमिलरली वो काम करेगा। यस राजेश जी, वन मिनट मनु, इस को आप देख सकते हो यहाँ पर, आपने अगर कंटिन्यू हम ना लगाएं यहाँ पर, ठीक है, यूज ना करें, तो ग्रेटर देन 500 के बाद भी आइटम प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सारे वैल्यूज प्रिंट कर देगा, हमने कंटिन्यू किया तो ये ब्रेक कर दिया इसने पूरे लूप में, ठीक है, ब्रेक यूज करते हैं तो उसके बाद लूप नहीं चलता, लेकिन कंटिन्यू यूज करते तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलती, जो भी आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। हाँ समझ गए, स्पेसिफिकली वो उसको एक्सक्लूड कर लेगा बेसिकली लूप में से जो इफ में आएगा, और अगर हम कंटिन्यू लगाएंगे नेक्स्ट कोड को एक्सक्लूड कर देगा। हाँ ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो एक लिस्ट है हमारे पास 10, 20, 0, 5, 0 और 30 की, फॉर n इन नंबर्स बोल रहे हैं हम, इफ n इक्वल्स टू 0 देन हाउ वी कैन डिवाइड विद 0 जस्ट स्कीपिंग, तो हमें स्किप करना है मान के चलो, तो उस केस में भी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे, और फिर प्रिंट प्रिंट क्या बोलना, प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, 100 डिवाइडेड बाय फॉर्मेट क्या है n equals to 100 divided by n, तो 100 divided by 10, हर कोई नंबर को हम actually 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं इस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स से, इस एलिमेंट से, इस वैल्यूज से, हर एक वैल्यू से अलग अलग, तो 100 divided by 10 equals to 10, 100 divided by 20 5, और हमें 0 मिल गया। अब 0 मिल गया तो इस प्रिंट में आ जाएगा क्या, इस ब्लॉक में नहीं, ये इसमें चला जाएगा, इफ जीरो इक्वल्स टू इक्वल एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो, हम क्या कर रहे हैं इसको सिर्फ स्किप कर रहे हैं, जीरो को हम स्किप कर रहे हैं, तो स्किप कर दिया और फिर से हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चले गए, जीरो पे चले गए, सॉरी फाइव पे चले गए, फिर जीरो आ गया तो स्किप कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद 100 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पूरा फॉर लूप फाइनाइट है, तो इसलिए 30 तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा वो लूप। ये कंटिन्यू जो हमारा वो है, क्या नाम है, जो रिजर्व वर्ड है, मुझे लगता है ये मतलब एज पर नॉट वर्ड एज इट शुड बी, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि कंटिन्यू का मतलब ये होना चाहिए ना कि अगर वो कंडीशन ट्रू है देन यू कैन कंटिन्यू द लूप आइटरेशन, राइट? हां राइट, इंटरप्रिटेशन है यहां पे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली, वहां पे उसको एक्सक्लूड करना है, बट ये हम एक्चुअली कंटिन्यू बोल रहे हैं उसको, बट इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, राइट उसको स्किप कर रहे हैं बट कंटिन्यू लिख रहे हैं, वही मैंने बोला आपको कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एटलीस्ट मुझे तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, तो एक्चुअल में है क्या मनु, यहाँ पर दो वर्ड है, एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, ठीक है, ब्रेक विल ब्रेक द लूप, ठीक है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं चलेगा, और कंटिन्यू क्या कहता है कि आप
आपका कोड कंटिन्यू रहेगा, जो लूप है वो लूप कंटिन्यू रहेगा। आप जा रहे हो स्टेटमेंट पे कि कोड एक्सक्लूड हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि इसके जहां आपने कंटिन्यू लिखा है उसके बाद लूप कंटिन्यू हो जाएगा, नेक्स्ट लूप आ जाएगा, समझ रहे? नहीं नहीं, हाइपोथेटिकली तो वो सही है, लेकिन एज पर जैसे जो पाइथन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कई जगह मैंने स्किप भी कीवर्ड वगैरह शायद किसी उसमें होता है, क्या बोलते हैं लैंग्वेज वगैरह में, नहीं वो समझ गया मैं समझ गया, पर जिस हिसाब से पाइथन इंग्लिश को इंटरप्रेट करता है लैंग्वेज, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये इफ और कंटिन्यू का मतलब होता है कि वो है तो कंटिन्यू करो, रिपीट हो रहा है उस अकॉर्डिंगली ये थोड़ा। हाँ, ये अगर आप सिर्फ जो है ना सब कुछ छोड़ के लूप के पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना कि लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक लगा रहे हैं हम, और लूप को कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट में जाने के लिए हम कंटिन्यू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लूप ब्लॉग देखते रहे। हेलो सर, ये तो फॉर्मेट के फंक्शन है का कहे थे, कौन था फॉर्मेट? प्रिंट इक्वल टू, ओके ओके ओके, दिस फॉर्मेट हम वो फॉर्मेट शायद देख चुके हैं या फिर आगे जाके और भी देखेंगे, बट यहाँ ये फॉर्मेट ऐसा है कि प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मुझे जो भी डबल इनवर्टेड में है वो प्रिंट होता है ना, प्रिंट में पुट करने हैं तो कैसे हम, अगर हम कैसे कर सकते हैं, तो ये है कि 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड, ये स्ट्रिंग है, 100 स् ट्रिंग है यहाँ पे, बट डिवाइडेड बाय हम कर्ली ब्रेसेस लिखे तो उसका मतलब होता है कि जो फॉर्मेट फंक्शन में जो भी पहला वेरिएबल आता है उसको हमें प्लेस करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे 10 आ गया, यन का यन की जो वैल्यू थी पहले इटरेशन के समय वो 10 थी, तो 10 आ गया। अब इसको क्या करो, फिर से हम कर्ली ब्रेसेस लिख रहे हैं हम, इसका मतलब यह है कि अगर सेकंड जो भी फॉर्मेट में कोमा देके सेकंड टर्म हमने मेंशन की है तो वो इवैल्यूएट हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय एन इवैल्यूएट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिंग में लिखा है तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, नहीं, पाइथन वर्चुअल मशीन को समझ में आता है कि अगर आपने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिए तो जो भी आप फॉर्मेट में लिखते हो वो इवैल्यूएट होके हम उसको दे देंगे, ये एज अ स्ट्रिंग हम नहीं कंसिडर करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया है हम वही यहाँ पे इवैल्यूएट करके आपको दे देंगे। तो ये सिंटैक्स है प्रिंट स्टेटमेंट का, डॉट फॉर्मेट। ठीक है, अभी समझ में आ गया? यस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं लूप्स विथ एल्स स्टेटमेंट, तो या फिर एल्स ब्लॉक। इनसाइड लूप एग्जीक्यूशन इफ ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड then only else part will be executed. Else means loop without break. एक example से समझ लेते हैं इसको। cart equals to एक sequence of elements है, यहाँ पे भी list है, list define किया हमने। For item in cart, we are saying that if item is greater than or equal to 500, we are printing we cannot process this order. यहाँ पे break कर रहे हैं हम, यहाँ तक program similar है break statement का, सिर्फ हम else block use अगर करना चाहते हो तो ऐसे use for block और else block use कर सकते हैं। यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे हम print कर रहे हैं कि congrats all items processed successfully. तो हम देखो पहले आइटम की वैल्यू 10 थी तो प्रिंट आइटम 10 हो गया, 20 थी, 30 थी, 40, 50, यहाँ पे सारे आइटम्स को इसने इटरेट कर दिया है और हमें फिर ये फॉर लूप खत्म होने के बाद एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा और बोलेगा कि ऑल आइटम्स प्रोसेस सक्सेसफुली, तो इट इज एल्स ब्लॉक, इट इज, इट मींस इट इज लूप विदाउट ब्रेक। तो एल्स ब्लॉक मतलब कि ऐसा है कि एल्स ब्लॉक आप लिख सकते हो, अगर ये कंडीशन ये इफ ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड देन ओनली
this part will be executed. आपको इतना ही ध्यान में रखना है. अगर else statements देते हो तो else statement कैसे काम करेगा? अगर you break statement नहीं काम करेगा तो else statement काम करेगा. यहाँ पे else statement execute हो जाएगा. पूछिए. कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ये डिफरेंट है बाकी लैंग्वेज से. बाकी लैंग्वेज से हाँ, सी शार्प वगैरह या डॉट नेट, वो उसमें क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस, सी में नहीं होता ये. और के साथ एल्स कहीं नहीं देखा मैंने. अच्छा अच्छा. हाँ, ये कंटिन्यू के साथ भी चलेगा या सिर्फ ब्रेक के लिए? ये कंटिन्यू के साथ भी चलना चाहिए. हम देख लेते एक बार. हाँ, चलना तो चाहिए ये. बट ब्रेक स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड उन्होंने लिखा है, तो हम एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ इसको. इसको क्या करेंगे हम? हाँ, ये तो चलना ही चाहिए क्योंकि अगर हाँ, ये तो चलेगा ही. चलेगा ये तो, चलेगा ये, दिक्कत नहीं है. एक ग्रेटर देन 500 वैल्यू आप डालो बीच में. हाँ, कहीं भी डाल दो ग्रेटर देन, बीच और क्लियर हो जाएगा. ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर मैंने ब्रेक लिख दिया तो फिर यस ब्लॉक में नहीं जाएगा. अभी अब ये नहीं जाएगा, तो मतलब कंटिन्यू में नहीं चलेगा. कंटिन्यू में जाएगा, ब्रेक में नहीं जाएगा. नहीं, कंटिन्यू का यूज यहाँ पर कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना. वो तो ऑलवेज जा रहा है, आप कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो ये ऑलवेज ही एल्स में जा रहा है. क्योंकि कंटिन्यू चला है लेकिन उसके बाद भी वो एल्स में गया, तो कोई पर्पज ही सॉल्व नहीं हुआ ना. जैसे ऐसा होता है कि मैंने कोई कोड में एरर है मेरे, ठीक है, वहां मैंने ब्रेक मार दिया, तो इसका मतलब हुआ कि सारे आइटम प्रोसेस नहीं हुए, वो एल्स में चला गया. मतलब इस टाइप से कुछ सारे जो है प्रोसेस हो गए अगर विदाउट एरर, तो ये सक्सेसफुल मैंने दिखा दिया. अगर ब्रेक चल गया मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ एरर है, कुछ भी है, वहां पर ये ब्रेक काम कर रहा, लेकिन कंटिन्यू के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा. कंटिन्यू तो स्कीप कर रहे हैं ना हम, तो सब कुछ सही से एग्जीक्यूट हो पा रहा है, तो इसलिए यस स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है. इसका मतलब सारे ही इटरेट कर रहा है वो आइटम्स, सारे इटरेट कर रहा है. राइट, और यहाँ पे लिख भी दे रहा है कि वी कैन नॉट प्रोसेस दिस ऑर्डर बट वी विल इटरेट ओवर अदर आइटम्स अंटिल वी कंप्लीट दिस सीक्वेंस. ठीक है, ठीक है, चलिए. एक आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, वो देख लेना एक बार. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप इन पाइथन? हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द लूप बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, हाउ टू स्किप सम इटरेशंस इनसाइड लूप, कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करो, व्हेन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू लूप्स इफ लूप एग्जीक्यूटेड विदाउट ब्रेक. हमने वो सब कुछ अभी देखा है. तो तीसरा है पास स्टेटमेंट. अब पास क्या है? पास इज अ कीवर्ड इन पाइथन, वी कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल, ये तो पता है हमें. इन आवर प्रोग्रामिंग सिंटैक्टिकली इट, इफ ब्लॉक इज रिक्वायर्ड व्हिच विल नॉट डू एनीथिंग, देन वी कैन डिफाइन दैट एम्प्टी ब्लॉक विद पास कीवर्ड. इट इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट. पास सबसे आसान है. पास कंटिन्यू एम्प्टी स्टेटमेंट है. इट इज अ नल स्टेटमेंट, इट विल नॉट डू एनीथिंग. समटाइम्स इन द पैरेंट क्लास हैव टू डिक्लेयर अ function with empty body and child class responsible to provide proper implementation. Such type of empty body we can define by using pass keyword. For example, for I in range of 100, और मैंने लिख दिया I modulo 9 equal to 0 print I. अब actually मैं else लिख सकता हूँ या फिर skip भी कर सकता हूँ. ये पूरा block ही skip कर सकता हूँ, इतना ही लिख सकता हूँ, फिर भी मुझे result तो same ही आएगा. But sometimes in parent class we have to declare a function with empty body and child class responsible to provide proper implementation. सिर्फ हमें if else का implementation चाहिए. अब without pass भी हम इसको continue कर सकते हैं, but वो standard structure follow करना है, if के बाद else करना है,
जो भी आपके पेपेट स्टैंडर्ड से उनको फॉलो करना है, तो हम जनरली फिर एल्स ब्लॉक लिखते हैं और एल्स में पास स्टेटमेंट लिख देते हैं। वो कुछ नहीं करेगा, वो बस पास करेगा, वो नल स्टेटमेंट है इसमें, तो ये रिलेटिवली आसान है। एक दो एग्जांपल व्हाइल लूप के भी देख लेते हैं, क्योंकि फॉर लूप के एग्जांपल देख लिया हमने, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया फॉर लूप में, फिर उसके बाद कंटिन्यू यूज किया और पास भी यूज किया, बट अभी व्हाइल लूप में कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं ये वाला प्रोग्राम काउंट इक्वल टू, अगर मान के चलो कि जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और हमने एक व्हाइल लूप शुरू कर दिया, तो हम बोल रहे हैं कि व्हाइल काउंट इज लेस देन लेट्स से 10, तो क्या करो, काउंट को एक एक से बढ़ाओ, सिर्फ काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। और इसके बाद एक और इफ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे मान के चलो कि एक लूप ब्रेक करना है अब, तो इसको अगर आपने ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, इफ काउंट इक्वल टू 5, अगर कोई भी एक रैंडम नंबर काउंट अगर 5 पे आ गया तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो इसको। फिर क्या करो, काउंट की स्पेलिंग काउंट, ओ ओ अच्छा, काउंट 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 काउंट, हाँ चलिए ये हो गया, करेक्ट हो गया ये प्रोग्राम। व्हाइल काउंट इज लेस देन 10, हम बोल रहे हैं कि काउंट को एक से बढ़ाओ, फिल बोल रहे हैं कि इफ काउंट इज इक्वल टू 5 है तो उसको ब्रेक कर दो, हमें नहीं चाहिए, और प्रिंट, ओ प्रिंट काउंट, प्रिंट 5 प्रिंट काउंट, तो इसका आउटपुट बता दीजिए मुझे, कोई लॉजिक लगा के बता सकता है? 0 to 4 होगा, क्यों होगा, जिन्होंने 1 to 4 प्लस कर दिया ना प्रिंट करने से पहले। हाँ राइट, प्रिंट करने से पहले ही हमने वो यहाँ पे प्लस कर दिया है, अगर मैं यहाँ पे पहले लिखता प्रिंट काउंट और उसके बाद काउंट का नंबर बढ़ाता तो फिर तो फिर क्या होता, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता, अब इंडेंटेशन लेवल एक बार देख लीजिए, क्योंकि कोलैब हमें एरर्स भी बता देता है, अंडरलाइन वो जो भी है अंडरलाइन वगैरह, रेड अंडरलाइन आ जाएगी तो हमें ज्यादा आसान लगता है, इवन वीएस कोड भी वो फैसिलिटी दे देता है, बट कुछ स्पाइडर वगैरह कुछ आईडीज है वो फैसिलिटी नहीं देते, ऐसे अगर हम गलतियां करते हो तो समय नहीं बताते हमें कि ये मिस्टेक हुई है या फिर ये प्रिंट मिस्टेक आपने की है। तो हाँ, हम बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर काउंट कर दिया तो अब ये क्या आएगा, अब ये बताओ, 0 to 5 आएगा, क्योंकि अगर काउंट 5 है तो ब्रेक करेगा, इसलिए 5 नहीं आएगा। अच्छा हाँ, नहीं आया नहीं वो वहां तक, 0 to 4 ही आया। हाँ, यहाँ तक आया ही नहीं, राइट। तो ये एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर कंटिन्यू का एग्जांपल देखना है हमें, तो कंटिन्यू का भी एग्जांपल एक देख लेते हैं, अगर व्हाइल में कंटिन्यू हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम वही काउंट इक्वल टू 0, अब सेम सिमिलर एग्जांपल हम लेते हैं, काउंट इज लेस देन 10 अगर है तो क्या करो, काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो, और इफ काउंट मॉड्यूलो
टू इक्वल टू इक्वल टू जीरो। अब मैं थोड़ा सा काउंट को क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय टू से करता हूँ। अगर ये रिमाइंडर आता है तो क्या करता हूँ, उसको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए एक सिमिलर लॉजिक जो पिछले बार लिखा था हमने, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट काउंट कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये किया है हमने, अभी किया है। आप यहाँ पे कंफ्यूज भी थे कि ये क्यों किया, और इसके अलावा भी हो सकता था कि क्या कर रहा है। 1 3 5 7 9 9 तक आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, 1 3 5 7 9 तक आ जाएगा ये, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो इवन को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, इवन नंबर्स को, और फिर बोल रहे हैं कि हमें काउंट दे दो, इसका काउंट दे दो। इवन आया तो स्किप कर दो, या फिर काउंट को प्रिंट कर दो। तो जो भी ये काउंट में आ जाएगा इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। क्या ये कंटिन्यू और ब्रेक मेथड फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं? फंक्शन के अंदर यस कर सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे आगे जाके। फंक्शंस तो काफी क्योंकि देर बाद आएगा। फंक्शन में हम रिटर्न का यूज करते हैं ना, कंटिन्यू मतलब अंदर यूज कर सकते हैं, रिटर्न में या फिर प्रिंट स्टेटमेंट में कंटिन्यू लूप के अंदर नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सिंपल कंटिन्यू, सिंपल कंटिन्यू या ब्रेक डायरेक्ट मेथड के अंदर, जैसे मैंने कोड लिखा हो बीच में ही कंटिन्यू यूज कर लिया। हाँ हाँ, आप अगर डिफाइन फंक्शन में यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। आप ये बोल रहे हैं क्या, यूनिट फंक्शंस पाइथन में जो होते हैं, जिसकी शुरुआत हम डेफ कीवर्ड से करते हैं, डेफ कीवर्ड से, यही बोल रहे हैं आप? आप इसमें कर सकते हैं, ये सेम लॉजिक तो सेम ही रहेगा, उसको कर सकते हैं आप, कोई नहीं। इसी को आप डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब मेथड मैंने बनाया सम का, ठीक है, सम और पैरामीटर्स मैंने दे दिए, उसके अंदर मुझे कुछ लॉजिक लिखना है, ठीक है, मान लो a प्लस बी, ठीक, और एक लॉजिक मुझे डालना है, उसके बाद कुछ कंटिन्यू लिख के फिर कुछ लॉजिक लिखा मैंने, मैंने लूप के अंदर यूज नहीं किया ना कंटिन्यू ना ब्रेक, डायरेक्ट मेथड के अंदर काम करेगा ये। डायरेक्ट मेथड, मेथड का मतलब क्या है, मेथड का मतलब पहले तो ये समझाओ मुझे कि ये बोल रहे हो क्या आप, मेथड यानी कि फंक्शन बोल रहे हो पाइथन में? यस यस। हाँ, तो इसकी बॉडी में हम जाते हैं और समथिंग ब्रेक ही लिख देते हैं, ब्रेक देन रिटर्न ए प्लस बी, यहाँ पे सीधा ब्रेक पहले ही। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो कैसे काम करेगा, ये तो लॉजिक लॉजिक ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे ब्रेक क्यों करना है आपको? नहीं कई कहीं कुछ ऐसा भी काम करता है, क्योंकि हम लूप के अंदर ही कंटिन्यू और ब्रेक देख रहे हैं, तो ऐसा कहीं यूज कर सकते हैं। हाँ ऐसा यूज कर सकते हो आप, बट हाँ उसके लिए जो भी आपको मतलब लॉजिक लगाना है उस लॉजिक के हिसाब से। हाँ जो भी मतलब, अगर मान के चलो कि मुझे यही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है ये कंटिन्यू वाला, तो मैं कर सकता हूँ क्या? तो कर सकता हूँ। वो एरर दे रहा है ना, वो बता रहा है ये तो एरर देगा, क्योंकि पहले ही कैसे मैं ब्रेक करूँ इसको, मतलब शुरू करने से पहले हम ब्रेक नहीं लिख सकते यहाँ पे। आलोक आप ये पूछ रहे हो क्या कि इसके अंदर मतलब मेथड के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू कैसे यूज करना है, जैसे कुछ ऑपरेशंस? हाँ तो कुछ ऑपरेशंस करके उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करके तो हम कंटिन्यू और ब्रेक कर ही सकते हैं। नहीं, अगर हम लूप वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इटरेशन हो गया, इसमें हमने जो है ब्रेक और कंटिन्यू यूज कर लिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेथड मैं लिख रहा हूँ, कोई लॉजिक है मेरे पास लंबा चौड़ा, उस पे इफ एल्स कंडीशन में लगाता ही हूँ, ठीक है, एक कंडीशन के आगे मैं चाहता हूँ कि ब्रेक यूज कर लूँ जिससे आगे का कोड मेरा ना चले, समझ रहे? जैसे मैं सिंपली मेथड में रिटर्न मारता हूँ ना, रिटर्न कर देता हूँ, तो कोड उसके बाद नहीं चलता, वहीं से रिटर्न हो जाता है। टाइप से कुछ चलता है और मेरे ख्याल से नहीं चल रहा, क्योंकि इसमें अभी एरर दिखा रहा था कि ये सिर्फ लूप के अंदर ही यूज कर सकते हैं ब्रेक को। जो भी है, आप मतलब अगर लूप के अंदर यूज करना चाहते हो तो हाँ
उस हिसाब से आप कर सकते हो, सिर्फ बाहर यहाँ पे तो नहीं यूज कर सकते आप, सीधा ऐसा बाहर तो नहीं हाँ यूज कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी हम इसके एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे, जब मैं आपको फंक्शंस सिखाऊंगा तब वो ज्यादा शायद क्लियर हो जाएगा कि क्या हम यूज कर सकते हो और क्या नहीं, और कैसे यूज कर पाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप और ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कुछ हमें फिर से स्ट्रिंग्स वगैरह थोड़ा सा तो डिटेल में पढ़नी है, तो मैं कल से वो शुरुआत करूंगा, आज तो नहीं। ठीक है, जैसे मेरा मन था कि आज, बट ठीक है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। स्ट्रिंग और एक और लेक्चर हम कवर करेंगे जो भी है, स्ट्रिंग और शायद लिस्ट डेटा टाइप्स है, उसके बाद टपल, सेट, डिक्शनरी, वन बाय वन जो भी मेन मेन डेटा टाइप्स है वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्लो कंट्रोल के ऊपर मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूँ आपको, तो ट्राई करो कंप्लीट करने का। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, कल मिलेंगे, और अगर पॉसिबल है तो हम जब जब हॉलीडेज है जैसे कि 15 अगस्त तब भी हम एटलीस्ट एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए हम मिल सकते हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए फिर, ये कल मिलते हैं, आप कर सकते हैं उस दिन तो फ्री है, टाइमिंग सेट बजे, राइट राइट, हाँ, हम वो भी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू राजेश, थैंक यू ऑल, थैंक यू।